जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज हम आ चुके हैं आपके सामने बहुत बड़ी खबर को लेकर के। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड। किस बिहाब पे मैंने बोला है ये से मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा आपके लिए। सीआरपीएफ का क्या खेल चल रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 11 मार्च से होगा एग्जाम, इस बात के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे ये सीआरपीएफ की मिस्टेक है या फिर वास्तव में एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। सारी जानकारी लेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपके लिए। एग्जाम में हो रही है बहुत बड़ी गड़बड़ी, एडमिट कार्डों में हो रही है बहुत बड़ी मतलब मिस्टेक हो रही है। कुछ बच्चों के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, और कुछ के आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं इसके बाद में बारे में मैं पूरी डिटेल दूंगा। यहां पे जो है ईमेल आई हुई है वो क्या बोल रखी है, यहां पे ये ईमेल कहती है कि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। आपके लिए प्रूफ के साथ में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपके लिए डेली की डेली मैराथन क्लास देखने को मिल जाएंगी। सीआरपीएफ की बेहतरीन तैयारी के लिए आप अपना एप्लीकेशन सुपर स्काई क्लासेस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट पेपर में आपके लिए 1000+ क्वेश्चन मिल जाएंगे विद आंसर के, और जनरल एप्टीट्यूड के आपके लिए 10 मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे इसके साथ में। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कैसे हुआ है और 11 तारीख से कैसे होगा, इसके बारे में विद प्रूफ मैं आपके लिए बताऊंगा। तो आओ देखते हैं इनकी मेल के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखना स्टार्ट करेंगे भाई, ये मेल आई हुई है सीआरपीएफ की साइड से। तो यहाँ से ध्यान से मैं जूम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ध्यान से आप लोग रीड करें एक बार। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये ना तो मेल मेरे पास से आई है भाई, सीआरपीएफ से डायरेक्ट आई है। सीआरपीएफ वालों ने क्या कहा है उसके बिहाफ पे मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ ये चीज़ पढ़िए और ये चीज़ में ये डेट देखिए, यहाँ डेट में साफ साफ लिखा हुआ है 11/3/2023 में आपका एग्जाम होगा। इसका मीन्स हो गया कि भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि यहां डायरेक्ट साक्षात मेल कह रही है, ये सीआरपीएफ वालों की कह रही है, ये हमने नहीं कहा है। सीआरपीएफ वालों ने डायरेक्टली बोल रखा था कि भाई 22 फरवरी से लेकर के आपके 28 फरवरी के बीच आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यहां पे मेल आता है कि आपके लिए 11/3/2023 के लिए आपका जो शिफ्ट है न्यू दिल्ली में, वहां पर आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि डायरेक्टली आपकी जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। सभी लोग अपनी अपनी जो ईमेल है उन्हें चेक कीजिएगा, क्योंकि यहां पे सीआरपीएफ जो बात कर रही है उसके लिए बिल्कुल हजम नहीं किया जा सकता। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जब आप जाएंगे crpf.gov.in पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे बोल रखा है उन लोगों ने कि आपको 20 फरवरी 2023 के लिए आपका एडमिट कार्ड जो है वो दिखाया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो मेल आ रही है और इस तारीख से पहले भी, जैसा कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी तो वहां पे ये बोल रखा है एडमिट कार्ड भी पहले ही आ गया है बच्चे का, पूरा एडमिट कार्ड जब पहले आ गया है तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 20 तारीख के लिए एडमिट कार्ड आएगा, ये क्या खेल चल रहा है। इसके बारे में आप लोगों के लिए पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। जल्दी से आप अपना सुपर स्काई क्लासेस फैमिली के लिए सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में आप बेल आइकन के लिए प्रेस कर लें, जिससे आपके लिए प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।